हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन टुडे सेशन वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है तो फ्रेंड्स सपोज दिस इज अ पॉइंट ओ वेयर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड एंड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म अराउंड द पॉइंट चार्ज सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन and in this electric field region suppose there is a two point, uh, 2 point a this is a point a and this is a point b and here we have to find the potential difference between point a and point b for this let us connect or let us join the point o to point a or point o to point b and suppose distance of point a from point o is ra and similarly suppose distance of point b from point o is बी तो फ्रेंड्स ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जितना वर्क किया जाता है उसे हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और फ्रेंड्स इसको आइए हम दूसरे तरीके से और कैसे डिफाइन करेंगे वो भी देख लें तो दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज अर्थात मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड है क्यू नाट टेस्ट चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड है क्यू नाट इसको पॉइंट ए से बी तक ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क और टेस्ट चार्ज क्यू नाट का जो रेशियो है वह पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस होगी तो so, मान लेते हैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल वी है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल वी है सपोज पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ वी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट वी बी बी इज वी बी देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी एंड अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स दिस वन विल इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग the test charge from point a to point b uh, to the test charge q naught and from this equation it is clear that potential difference is also a scalar quantity and its unit is the unit of work upon unit of uh, charge and here unit of work is uh, joule and uh, यूनिट ऑफ चार्ज इज कुल आर फोर पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट्स इज ऑल्सो जूल पर कुल एंड इट इज कॉल्ड वोल्ट तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं तो सिंस डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलन नाट आर स्क्वेयर डी आर एंड लिमिट इस आर ए आर बी एंड अकॉर्डिंग टू कुलमसला दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पाइंड चार्ज क्यू एंड टेस्ट चार्ज क्यू नाट अब फ्रेंड्स इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आता है वो हम देखते हैं यहाँ हम देख लेते हैं कि माइनस क्यू अपान क्यू नाट अपान फोर पाई एप्सिलन नाट ये कॉन्स्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये हो जाता है आर ए आर बी और इन और इंटीग्रेटन हो जाएगा डी आर अपान आर स्क्वायर अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ये कांस्टेंट एज इट इज़ हो जाएगा क्यू क्यू नाट फोर बाई एप्सलन नाट और वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस वन बाई आर आर दे और लिमिट हो जाएगी आर ए अपन आर बी इस प्रकार हम देखते हैं लिमिट यदि हम पुट करें तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा क्यू क्यू नाट अपान फोर पाई एफ नाट इन टू वन अपान आर बी माइनस वन अपान आर ए अब ये डब्ल्यू ए बी की ये वैल्यू डब्ल्यू ए बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दे आर फोर वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू ए टू बी वर्ग जो है मैंने अभी निकाला है अपान क्यू नाट अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर दें तो ये क्यू नाट ये यहाँ से ये क्यू नाट और ये क्यू नाट कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा वन अपान फोर फाइव नाट इन टू क्यू और इन टू वन अपान इन टू वन अपान आर बी माइनस वन अपान आर ए तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये फार्मूला है एंड फ्रेंड्स फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फ्रॉम विच द योर टेस्ट चार्जेज टेकिंग फ्राम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजिशन ऑफ दोज पॉइंट्स तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स तो फ्रेंड्स आइए हम आज के इस सेशन को फिनिश करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ तो मोटिवेशनल को मोटिवेशनल कोट है लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग एंड दिस कोटेशन इज टोल्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इसका मतलब यह है कि लाइफ एक बाइसिकल के समान बाइसिकल की सवारी करने के समान है यदि आप अपना बैलेंस बनाना चाहते हैं तो आपको मूविंग कंडीशन में रहना चाहिए दैट मीन्स आपको चलते रहना चाहिए तो ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो